हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल में। दोस्तों, मैंने न्यू लैपटॉप परचेस किया है लिनोवा कंपनी का। उसमें एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है, जब भी मैं स्लाइड ओपन करता हूँ, देखिए ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाता है लैपटॉप। देखिए मैं अभी स्लाइड ओपन करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया लैपटॉप। तो ये फ्लिप टू बूट कैसे डिसेबल करते हैं आज हम देखते हैं। कोई भी लैपटॉप आप लिनोवा का लीजिए, न्यू परचेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल ही आता है, और ये आप स्लाइड ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चालू हो जाएगा। अभी यही सेटिंग आता है, मैं यहाँ पे शट डाउन कर रहा हूँ या रिस्टार्ट कर देता हूँ और F2 प्रेस करके मैं बायोस में चला जाता हूँ। F2 प्रेस, अभी मैं बायोस ओपन करता हूँ। F2, अभी बायोस ओपन हो गया। उसमें कॉन्फ़िगरेशन, उसमें लास्ट वाला फ्लिप टू बूट वो अभी इनेबल है, वो मैं डिसेबल कर देता हूँ। न्यू लैपटॉप आप परचेस करेंगे तो ये इनेबल ही आएगा, यहाँ पे मैं डिसेबल कर देता हूँ और F10 से सेव कर देता हूँ। F10 एस करके सेव, एंटर। अभी ये चालू हो गया, मैं बाद में शट डाउन करके स्लाइड ओपन करके देखता हूँ चालू होता है या नहीं होता है। ये सिस्टम है लिनोवा का। न्यू आप परचेस करेंगे कोई भी मॉडल तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड ओपन करेंगे तो चालू हो जाएगा। अभी मैं शट डाउन कर देता हूँ, शट डाउन कर दिया और मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ तो अभी चालू नहीं हुआ। दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।